जी ने अप्रोच किया था कि ऐसे क्या एंथम. तो जब उन्होंने मुझे गाना भेजा, मैं तुरंत उनको फिर से फोन करके पूछा ये कंपोज किसने किया है ना पूछा. फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर हमारा मेरा भी बहुत ट्रैवल था, बहुत दिन तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मेरा गला भी खराब था. फिर फाइनली जब मैं रिकॉर्ड किया तो मैंने इनसे वो काजल का नंबर लिया, म्यूजिक डायरेक्टर उनका पूरा नाम क्या काजल, काजल शाह, काजल शाह का नंबर लिया और मैंने काजल शाह को फ़ोन किया और मैंने उनसे कम से कम 8-10 मिनट बात किया कि कितना दिन के बाद एक बहुत अच्छा कंपोजिशन मुझे सुनने मिला है. और ये मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं हर कंपोजर को फ़ोन करके नहीं बोलता रहता हूँ मैं नहीं, जो अच्छा लगे तो ही मैं बताऊँ. तो मैंने उनको फ़ोन करके मैंने बोला कि कितना अच्छा, कितने दिन के बाद एक कंपोजिशन है जो दिल से निकली हुई आवाज़ है और जिन्होंने भी वो गाइड वोकल्स गाया था उनका आवाज़ भी आप रखी है उसमें, तो मेरा तो आवाज़ रह गई लेकिन उनका भी रखिए क्योंकि उनके लिए एक वो एक मौका होएगा कि यू नो एक चांस मिला, अच्छा प्लेटफॉर्म में इतना बड़ा एंथम गाने का मिला. तो अगर वो खुद ने गाया, क्योंकि काजल शाह खुद ने गाया था, उसने वो अरेंज किया था. हाँ, वो जो डायरेक्टर गाया कौन था, तेजस से बात किया, सॉरी तेजस को फोन किया था. हाँ, तेजस को मैंने फोन किया और मैंने तेजस को बोला कि बहुत दिन के बाद तुमने एक बहुत बढ़िया कंपोजिशन का किया है और ऐसा कंपोजिशन गाना चैलेंजिंग है, मुझे बहुत खुश लगा.